बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह में आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपसे गले के डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही खूबसूरत हैं। आप प्रिंटेड सूट बनाएं या प्लेन सूट पर बना रही हैं, गर्मियों के ड्रेसेस खासतौर पर बना रही हैं या ईद के लिए बना रही हैं, सबके लिए आपको इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलने वाले हैं। और सारे डिज़ाइन डिफरेंट हैं, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। इंशाल्लाह वीडियो को पसंद आएगी, वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि वो डिज़ाइन मिस ना हो जाए, क्योंकि डिज़ाइन लास्ट तक बहुत ही प्यारे प्यारे और यूनिक और सारे ही डिफरेंट है। और मेरी कोशिश है कि सारे डिज़ाइन नए हों जो अपने कपड़े पर बना सकें गर्मियों के। अगर आप ईद के कपड़े सिलवा लेंगे तो उसके लिए आपको बहुत प्यारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, लेसिस के साथ, मोती के साथ। कितनी प्यारी डिज़ाइन की गई है पे गले पे, और ये देखिए साइड पे गला बना कितना खूबसूरत लग रहा है, और डिफरेंट डिज़ाइन है जो बहुत ही प्यारा अच्छा लगता है। आप लेसिस के साथ प्लेन कपड़े साथ डिज़ाइनिंग करना चाह रही हैं, प्लेन साथ के, देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। अगर आप अपने रेशमी सूट बना रही हैं कैजुअल कपड़े बनाने के अलावा अलावा मतलब कोई फंक्शन आ रहा है हल्का फुल्का सा लाइट सा ड्रेस बनाना चाह रही हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ही प्यारे डिज़ाइन इसमें मिलने वाले हैं। ये देखिए गले प्लास्टिक कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन आप बहुत मुश्किल ही बनाएं, आप सिंपल डिज़ाइन से भी सिंपल तरीके से भी लाइट सी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं कपड़े पर अपनी चॉइस के लिहाज से। लेसिस के साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्लेन कपड़ा लगा सकती हैं, जैसे आपको डिज़ाइन पसंद आता है आप वैसे ही बना सकती हैं। इस डिज़ाइन में आपको इस वीडियो में बहुत से डिज़ाइन मिलेंगे, जो डिज़ाइन आपको पसंद आए आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कपड़े पर बनवा सकते हैं। अगर आप खुद सिलाई आती है फिर तो क्या ही बात है, आप तो खुद भी बहुत अच्छी सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद आते हैं फिर इंसान ईजिली खुद भी स्टिच कर सकता है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मेरे डिज़ाइन आपको तमाम बहुत पसंद आएंगे। ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल सा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में आपको सबसे पहले हर बार मैं वीडियो में लास्ट में कहती हूँ कि प्लीज़ जब भी दुआ करें सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ने तमाम बीमारों को शफा दे, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें और तमाम बीमारों को शफा दे। दुआ जब भी करें सबके लिए दुआ करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।